तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं पंचमी आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने चैनल पंचमी क्रिएशन में। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की मांग की है पीएम मोदी जी ने। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए और क्या है जनता कर्फ्यू और क्या है इसका मकसद। तो पीएम मोदी जी ने इसका क्यों अपील किए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है जनता कर्फ्यू। तो पीएम मोदी जी के मुताबिक, तो जनता कर्फ्यू का मतलब ये है, पीएम मोदी जी के मुताबिक इस रविवार यानी 22 मार्च सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोई व्यक्ति बाहर ना निकले। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप से कर्फ्यू जैसे हालात कर लेना। इसमें आपको कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा या फिर कोई भी पुलिस मिलिट्री ये सब आपको नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसा करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से ही कर्फ्यू जैसे हालात का सृष्टि करना है। पीएम मोदी जी ने कि यह संभव हो तो हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को फोन करके कोरोना वायरस के बचाव के उपाय के साथ ही जनता कर्फ्यू के बारे में भी बताने की अपील की है। जो कोरोना वायरस है इसका मतलब ये है कि हमें इसके इस माध्यम के थ्रू हमें अपने फोन से या फिर अपने संबंधितों को इससे जागरूक करना है और जितना जागरूक होंगे हम उससे इतना ही बच पाएंगे। उसके बाद पीएम मोदी जी ने अपील भी की है, रविवार ठीक 5 बजे हमें अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे ऐसे लोगों को आभार व्यक्त करना है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। फोर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, एम्बुलेंस हो गए, ऐसे इन लोगों को आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी जी ने यह भी अपील की है जी कि अस्पतालों पर ज़्यादा दबाव या फिर जिक्र करते हुए कहा है अस्पतालों का जिक्र करते हुए कहा है कि वो लोग रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने से जितना हो सके बचे, क्योंकि हमें ये भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचना है। इसीलिए पीएम मोदी जी ने ये भी कहा है कि हमें अगर ज़रूरत ना हो तो अपने रूटीन चेकअप के लिए वहाँ पे ना जाएं और जो लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को जाने दिया जाए, उन लोगों को उस फैसिलिटी मिलने दिया जाए। तो पीएम मोदी जी ने ये भी कहा है कि हम अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो हॉस्पिटल में भी जाने की और हॉस्पिटल में ज़्यादा दबाव ना डालें और जितना जितना हो सके हॉस्पिटल जाने से बचे। इन्हें यह भी कहा है कि अगर आप स्वस्थ हैं, सिर्फ डेली रूटीन के लिए जा रहे हैं तो हो सके तो ना जाएं और हॉस्पिटलों पे ज़्यादा पैसा ना डालें। तो ये भी पीएम मोदी जी ने अपील किया है। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि क्या है इसका मकसद। तो जान लेते हैं जनता कर्फ्यू का मकसद क्या है। पीएम मोदी जी के अनुसार ये जनता कर्फ्यू कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है ये देखने के परखने के भी समय है। तो पीएम मोदी जी ने ये भी कहा है कि इस कोरोना को वैश्विक बीमारी किया गया है क्योंकि ये वैश्विक बीमारी ही है, क्योंकि देश विदेश से भी हमारी ये मदद नहीं करेगी और देश विदेश से संबंध टूट गया है हमारे, इसलिए हम अपने आप की मदद खुद से करना होगा और जागरूक होना पड़ेगा। तो ये हमारे परीक्षा का भी समय है। ये भी कहा है कि जनता कर्फ्यू एक प्रकार से भारत के लिए कसौटी की तरह होगा। पीएम के मुताबिक 22 मार्च को हमारा ये परीक्षा हमारे आत्मसमस्त और देहित कर्तव्यों का पालन का संकल्प का एक प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता और इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार रखेगा। तो यही सारी बातें हैं जो पीएम मोदी जी ने 19 तारीख रात 8 बजे अपने भाषण में कहा था। तो हम भी चाहते हैं कि आप जनता कर्फ्यू का समर्थन करें, क्योंकि हम समर्थन करेंगे तभी तो हम लोग जागरूक होंगे। और इसका जनता कर्फ्यू का मतलब ही ये है कि एक दूसरे को जागरूक करें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।